बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद कोटे से बिहार सरकार में कानून मंत्री बनाए गए मोतिहारी के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद खुद कानून की पेच में फंस गए हैं। दरअसल मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के विरोध में चुनाव लड़े जेडीयू नेता श्याम विहार प्रसाद ने हाईकोर्ट में शमीम अहमद के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें श्याम विहार प्रसाद ने कोर्ट को बताया था कि मंत्री ने अपने चुनावी शपथ में अपने ऊपर लगे दो मामलों को छुपा लिया है और दूसरी ओर पार्टी से टिकट लेने के समय अपने ऊपर दो मामलों के दर्ज की बात कही थी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार के विधि मंत्री से जवाब तलब किया है, जिसमें मंत्री ने कोर्ट को जवाब देते हुए अपने ऊपर दर्ज मामलों की बात स्वीकारी है, जिसमें एक जमीन से तो दूसरा चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये भी सफाई दी है कि दोनों मामले चुनाव लड़ने से पहले ही समाप्त हो गए थे, जिसके कारण चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ...2020 में मैंने चुनाव जीता और लगभग 30,000 वोटों से मैंने चुनाव जीता और मेरे विपक्ष में थे श्याम बिहारी प्रसाद, जो पूर्व मंत्री भी थे। उनका दावा है कि माननीय विधायक जी पर, माननीय मंत्री जी पर दो केस लंबित था, जो इन्होंने एफिडेविट में नहीं दिया था और अपने पार्टी ऑफिस में दिया था। क्योंकि पार्टी ऑफिस में पहले लिया जाता है, तो मैंने वहाँ दिया था कि मेरे ऊपर ये मुकदमे थे। जब मैं एफिडेविट के लिए करने गया तो वहाँ सारे केस को मैंने देखवाया, तो ये चूँकि 144 का एक मामला था जो 60 दिन में स्वतः समाप्त हो जाता है, और एक आचार संहिता का केस था, वो भी माननीय कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट हो गया था, तो मैंने उसको अपने एफिडेविट में नहीं दिया था।